तो हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो में आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं ग्रैनी पबजी। तो चलिए दोस्तों, हम इसको स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं चैप्टर टू। अगर दोस्तों आपने चैप्टर वन का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए हमारे वीडियो के नीचे, तो वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। तो दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं तो इसके नीचे हमको कुछ ट्रैप आ जाता है जो कि हमारा गाड़ी का टायर हो जाता है पंचर, यानी कि दोस्तों हम इस गाड़ी से बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं कि हमको कुछ गुफा टाइप का दिख रहा है, तो यार हम देखते हैं तो यहाँ पे स्टॉपर लगे हैं जो कि हम इससे बाहर नहीं जा सकते। कैसे हो सकता है, ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। तो चलो यार हम बगल से जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों हमको एक घर दिखता है और एक हमको फोर व्हीलर दिखती है जो कि दोस्तों ग्रैनी और ग्रैंडपा की होती है, जो हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक। तो चलो यार हमको एक यहाँ पे गेट मिलता है जो कि दोस्तों यहाँ पे एक की चाहिए दोस्तों इसको खोलने के लिए, तो यार हमको पता नहीं कहाँ पे मिलेगी। तो चलते चलते दोस्तों हमको एक हाउस और दिख जाता है जो कि शायद हमको इस हाउस में उसकी की मिल जाए, तो चल के देखते हैं दोस्तों। समझ रहे हो ना। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं तो यार इसका भी की नहीं है, तो यार पता नहीं कहाँ पे मिलेगा हमको। तो चलो यार आगे चलते हैं, क्या मिलेगा पता नहीं। तो यार दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तो कुत्ते भौंकने की हमको आवाज़ आ रही है, तो शायद वो ग्रैनी का ही कुत्ता होगा। तो चलिए दोस्तों इस कुत्ते के पास ही चल के देखते हैं कहाँ पे है। A few moments later. तो भाई साहब देखो चल के आ रहा है मेरे पास। तो भाई साहब इसने तो यार हमको भर ही लिया है। तो कोई नहीं दोस्तों, अगली बार इस कुत्ते को देख लेंगे हम। तो चलो यार नेक्स्ट गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो चलो यार हम फिर से आ चुके हैं यहाँ पे। तो यार हम यहाँ से आए थे तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो यार भाई साहब हमको सामने एक झोपड़िया दिखती है जो कि शायद ग्रैनी की ही होगी, और दोस्तों साथ में हमको एक बोट भी दिखती है जो कि इसमें हमको एक हैंडल चाहिए इसको चलाने के लिए। तो फाइनली दोस्तों हमको एक की मिल जाती है जो कि शायद उस घर की है। तो यार हमको यहाँ पे टूल भी मिल जाता है जो कि हम इसको बाद में देख लेंगे, पहले इस की को लगाते हैं उस हाउस में। तो शायद यार हमको यहाँ पे वो कुत्ता ना मिल जाए, देख लूँ यहाँ वहाँ नहीं है। तो चलो यार फुर्ती से निकल जाते हैं यहाँ से हम। तो फाइनली दोस्तों हमको दिख चुका है हमारा घर, और शायद इसमें लगेगी हमको पता 100% लग जाएगी। तो हाँ लग चुकी है यार, तो इसको खोल के देखते हैं क्या है। हाँ गन मिल चुकी है यहाँ पे हमको, और एक नाइफ यानी चक्कू, तो शायद ये एनर्जी ड्रिंक है। हाँ एनर्जी ड्रिंक ही है, तो इन दोनों को उठा लेते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और एक और हमको, अरे भाई ये की है जो कि दोस्तों उस वाले घर के जो कि हमको वहाँ पे है शायद, है ना। तो चलो यार यहाँ से हम इस ड्रिंक को उठा लेते हैं, इसको भी उठा लेते हैं। इसमें क्या है, और यहाँ पे है शॉर्ट गन की एमओ, तो इसको भी उठा लिया हूँ। और यहाँ पे एक रिंच पड़ी है, ये क्या है। तो हाँ यार एक ग्रैनी से बचने के लिए है, ठीक है ना। तो चलो यार और देखते हैं क्या मिलेगा हमको। तो ये क्या है भाई, तो चलो यार देखते हैं। तो भाई साहब इसके ब्रेक करने के लिए हमको एक टूल की जरूरत होती है। तो ये क्या है भाई, ये कौन सा नया तरीका है इसको खोलने का। तो पता नहीं दोस्तों इलेक्ट्रिक गेट है जो कि पता नहीं कहाँ से खुलेगा। तो चलो यार हमको एक गेट और दिखता है, तो इसके अंदर भी देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो ये क्या भाई, मीट है। तो अरे भाई समझ में आ गया यार, इसको कट करने के लिए हमको नाइफ चाहिए जो कि दोस्तों वहाँ टेबल पर पड़ी है। तो चलो यार उस नाइफ को जल्दी से उठा लेते हैं हम। तो भाई साहब इसको पहले टपकाते हैं, ये बात। तो चलो यार इसको टपकाने के बाद बहुत ही मज़ा आ चुका है। तो चलो इस नाइफ को उठा के उस मीट का टुकड़ा, अरे भाई ये मीट का टुकड़ा हमको शायद उस कुत्ते को खिलाना है। तो चलो यार देर किस बात की है, नाइफ मेरे हाथ में है, और चलो इस मीट के टुकड़े को जल्दी से काटते हैं और कुत्ते को खिलाते हैं। तो उठा लिया यार बाबा, चलो यार चलते हैं कुत्ते के पास इस मीट को खिलाने के लिए। तो शायद अब ग्रैंडपा ना आ जाए, क्या पता आ जाए। तो नहीं है भाई साहब कोई नहीं है, चलो पतरी गली से निकल लेते हैं यहाँ से। अब देखते हैं दोस्तों कहाँ से आएगा कुत्ता, पता नहीं। वैसे दोस्तों उस कुत्ते का कुछ ठिकाना नहीं है कहाँ से आता है कहाँ से जाता है, तो यार बुरा वो कुत्ता। तो चलो यार उसको मीट डाल देते हैं तो जल्दी से झपक के खा लेगा। तो चलते हैं दोस्तों उस झोपड़ी के पास जो कि दोस्तों हमको वहाँ पर एक टूल दिखा था। तो चलते हैं बिना कुछ देरी के ड्रिंक लगा के।
तो ये रही वो झुपड़िया और ये रहा वो टूल। तो जल्दी से इसको हम उठा लेते हैं, चलते हैं अपने हाउस पर। तो यार हमको किसी के फुल स्टेप आ रहे हैं। तो ये रहा ग्रैंडपा यार, इसके फुल स्टेप आ रहे थे यार, कतई छोड़ता नहीं यार, ये तो बिल्कुल पीछे ही पड़ जाता है दोस्तों। तो चल के देखते हैं दोस्तों ग्रैनी जिंदा ना हो गई हो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उसको मारे हुए। तो भाई साहब अभी वो जिंदा नहीं हुई है, बट अभी पड़ी हुई है यहीं पे। तो यार कोई नहीं, दिक्कत की अभी कुछ बात नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं तो हमको एक हैमर मिल जाता है, और इसको भी फोड़ के देखते हैं तो हमको एक कटर प्लास मिल जाता है। तो इसको फोड़ के देखते हैं, कुछ नहीं मिलता है। तो जल्दी से जाते हैं पहले दोस्तों उस घर की उठा के सीधा उस घर के पास चलते हैं जो हमको वहाँ पर दिखा था। अरे वाह, गुड आइडिया। तो जल्दी से निकलते हैं, कहीं जिंदा ना हो जाए ग्रैनी, नहीं तो बहुत दिक्कत दिलाएगी हमको, और सामने से ग्रैंडपा ना आ जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों अपने हाउस पर इस की को लगाने के लिए। तो फाइनली हम इसको लगा देते हैं, एक खुल जाता है और एक कौन सी लेविलेशन वाली मशीन है, इसको उठा लेता हूँ। और यहाँ पे भी दो बॉक्स हैं, क्या पता है इसमें क्या करेगा क्या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं तो एक बॉक्स है, एक नशे नहीं है, जो कि दोस्तों इसको सही करने के लिए हमको एक हैमर की ज़रूरत होती है, जो कि हमको वहाँ पे मिला है। तो चलते हैं दोस्तों ड्रिंक लगाते हुए जल्दी से उस हैमर के पास, और यहाँ लाएँगे दोस्तों इस नशेनी को सही करेंगे, फिर देखते हैं इसके ऊपर क्या मिलता है हमको। तो यार गाइस सामने ग्रैनी मिल जाती है, जो कि यार बहुत ही खतरनाक तरीके से आ रही है हमारे पास, हाथ में कुछ फेंक लेते हुए। तो यार उससे बचते हुए हम जल्दी से जाएंगे घर में और वहाँ से हैमर उठा लाएंगे। तो जल्दी से जाते हैं, इस पहले इसको टपका देते हैं, ठीक है ना। कहाँ गई, जल्दी से सामने आ जा, ये रही। तो यार इसको हम जल्दी से टपका देते हैं। तो जल्दी से उठाते हैं दोस्तों वो हैमर जो कि वहाँ पर पड़ा है। तो ये रहा वो हैमर, इसको उठा के जल्दी से चलते हैं उस नशेनी के पास, सामने से ग्रैंडपा ना आ जाए यार, नहीं तो फिर से हमको मुसीबत झेलना पड़ेगी। तो ये रही दोस्तों नशेनी, और इसको हमने सही कर दिया और हम ऊपर जा रहे हैं नशेनी की मदद से। तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि हमको यहाँ पे इसके बोल्ट खोलने के लिए हमको रिंच चाहिए, जो कि वहाँ पे है उसमें अलमारी में। तो दोस्तों सामने से हमको ग्रैंडपा आता हुआ दिख रहा है, जो कि हम इसको बेवकूफ़ बना के इजीली निकल जाएंगे यहाँ से। तो यार इसको थोड़ा क्लोज बुलाते हैं, आजा आजा। तो जल्दी से दोस्तों हम यहाँ से एक ड्रिंक लगाते हैं और चलते हैं चार की गाड़ी से। तो बम बम गाइस देख सकते हो यार कितना तेज़ भागने लगा हूँ मैं। तो यार ये तो हमारा पीछा कभी भी नहीं कर पाएगा जब तक हमारे पास ड्रिंक है। तो जल्दी से दोस्तों वो रिंच उठा लाएंगे वहाँ पे जो अलमारी में पड़ी हुई है। तो भाई साहब यहाँ पे अभी तक ग्रैनी पड़ी हुई है, जो कि बहुत बढ़िया है। तो जल्दी से चलते हैं दोस्तों और नट बोल्ट को खोल देते हैं। तो यार फिर से आ गया यार सामने से, कतई जहर वाला सीन कर रहा है यार ये। तो यार अभी हमको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको अभी शक्ति है ड्रिंक की। ये रही मेरी नशेनी, और चलते हैं ऊपर और जल्दी से दोस्तों इन चारों नटों को हम जल्दी से खोल देते हैं। एक दो, ये तीसरा और ये चौथा। तो गाइस अब हमको चाहिए इसके लिए कटर प्लास, जो कि हम इस वायर को कट कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों हमको हैमर के बगल में जो कि वो कटर प्लास हमको मिला था, तो उसी को हमको लाना है इसको वायर को कट करने के लिए। तो जल्दी से चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमको ग्रैनी दिख चुकी है, जो कि यार इससे बचना भी ईजी है। तो यार दोस्तों यहीं से मिलने वाला है हमको कटर प्लास। तो ये रहा, तो इसको जल्दी से उठा लेते हैं हम। तो भाई लगता है कि ग्रैनी और ग्रैंडपा शायद दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो जल्दी से यहाँ से छुप जाते हैं थोड़ा, तो शायद वे भाग जाएं क्या पता। तो यार नहीं यार, उनने हमको शायद देख लिया है और भी हमारे पास ही आ रहे हैं हल्ला बोलने के लिए। तो जल्दी से दोस्तों निकल चलते हैं और सीधा चलते हैं दोस्तों वहाँ पर जहाँ पर हमको वो कट करना है वायर को, ठीक है।
तो चलते हैं भाई साहब जल्दी फुर्ती में, ड्रिंक भी नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा तेज भाग सकूं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई साहब, चलते हैं ऐसे ही। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने हाउस पे और यहाँ पे हमको जल्दी से चढ़ना है और जल्दी से दोस्तों वायर को कर देना है कट। तो ये रहा दोस्तों वो वायर जिसको हमको कट करना है। तो चाहे जो आप कट कर सकते हो भाई साहब, किस तरीके की बिजली आउट हुई है आपको आवाज़ आई होगी। तो चलते हैं दोस्तों उस गेट के पास जो कि वो इलेक्ट्रिक गेट है और शायद वो अब अनलॉक हो चुका होगा क्योंकि हमने बिजली का टायर कट कर दिया है। तो सब कुछ वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो चुका है, तो अब हम शायद उसके अंदर जा सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं। तो यार जा तो रहे हैं मगर यार वो ग्रैनी और गणपा वहीं पे ना मिल जाए जहाँ से हमको मिले थे। तो लगता तो है भाई कोई नहीं है, मामला बिल्कुल साफ है। तो चलो जल्दी से उठा लेते हैं इस हैमर को, शायद इसका काम आ जाए। और शायद हमको लगता है कि शायद वो गेट अनलॉक हो चुका होगा। तो फाइनली दोस्तों ये गेट अनलॉक हो चुका है, अब हम इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों ग्रैनी और ग्रैंडपा यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ पे छुप जाएंगे ईजिली यहाँ से, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम फोड़ देते हैं इस दीवार को। तो गाइस इसी के लिए हम इस हैमर को लाए थे। और चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे पिंजरा वगैरह दिख रहा है जो कि शायद मेरे काम का नहीं है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे चलते हैं। तो चल के देखने के बाद दोस्तों हमको एक नीली कलर की चाबी चाहिए जो कि पता नहीं दोस्तों कहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर इसको फोड़ने के लिए हमको एक टूल चाहिए और शायद यहाँ पर एक नेमो पड़ी है। और इसको खोल के देखते हैं शायद यहाँ पर कुछ चाबी वगैरह मिल जाए। तो चाबी तो है नहीं है, बट यार यहाँ पे हमको एक एमओ, दो एमओ। तो गाइस हमको दो एमओ दिख चुके हैं, तो यार इसको हम बटोर लेते हैं जल्दी से। तो यार वो नीली वाली की कहाँ पे मिलेगी पता नहीं यार। चलो यार जल्दी से हम उस टूल को लाते हैं जो कि हम इस बॉक्स को तोड़ सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं दोस्तों उस टूल को लाने के लिए। तो दोस्तों शायद ही सामने से ना आ जाए ग्रैनी और ग्रैंडपा, नहीं तो यार बहुत दिक्कत हो सकती है। तो बट यार कोई नहीं है, तो यार मैं वैसे ही चिंता कर रहा था। तो जल्दी से उठाते हैं उस टूल को जो कि वो बॉक्स तोड़ता है। तो ये रहा वो टूल, तो इसको चलते हैं लेके बॉक्स को तोड़ने के लिए। तो दोस्तों बहुत देर से ग्रैनी और ग्रैंडपा नहीं आए हमको मारने के लिए। तो यार बहुत अच्छी बात है कि गाइस वो आए नहीं है, नहीं तो यार हमारा जीना हराम कर देते हैं। तो चलो यार इस दरवाजे को देखते हैं, पहले इस बॉक्स को तोड़ लूँ यार, इसमें क्या है क्या नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं है, तो यार इसको भी खोल के देखते हैं और इसको फोड़ के देखते हैं, कुछ नहीं है। भाई साहब नीली वाली की कहाँ पर यार, हमको वो चाहिए मेन बात। तो यार सब कुछ ढूंढ लिया लेकिन हमको एक जाली मिली है जो कि दोस्तों हमको इस जाली के लिए हमको एक रिंच चाहिए इसको खोलने के लिए। तो जल्दी से उठा लाते हैं। तो यार सामने से ग्रैनी और ग्रैंडपा ना आ जाए यार, चलो कोई नहीं है। तो यहाँ से उठा लेते हैं अपनी रिंच जो कि वो जाली में लगने वाली है। तो चलो यार जल्दी से चलते हैं उस जाली के पास और खोलते हैं उसके नट। तो दोस्तों देखते हैं उस जाली को, वो कहाँ गई, ये रही वो जाली। तो चलो यार इसको जल्दी से खोलते हैं इसके नट। एक दो तीन। तो चलो यार इसको तो खोल दिया हूँ और इस दरवाजे को खोलते हैं। तो यार इसमें एक बॉक्स मिलता है, तो चलो यार इस बॉक्स को तोड़ेंगे हम जल्दी से। तो जल्दी से उठा लिया हूँ इस टूल को और जल्दी से खोलते हैं भाई साहब, बहुत देर हो चुकी है यार। तो चलो यार इस बॉक्स को तोड़ के देखते हैं, तो यार इसमें भी कुछ नहीं निकलता है। तो चलो यार दूसरे बॉक्स पर चलते हैं, तो क्या पता हमको यहाँ पर मिल जाए कुछ। तो इसको तोड़ के देखते हैं, तो फाइनली हमको मिल चुकी है नीली वाली की। तो यार इसके लिए हमको एक बॉक्स और तोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड एक क्या है भाई, एक इसकी लाश है। तो चलो यार हमको इससे कोई उस वाले कमरे में जो कि दोस्तों वो नीला कलर का ताला है, उस ताले के पास हमको जाना है इसकी को लगाने के लिए। तो शायद ही हमको वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मिल जाएगी। तो जल्दी से दोस्तों इसको खोलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमको मिल चुकी है ये हैंडल। तो यार हमको सामने से यार ग्रैनी और ग्रैंडपा ना जाए, नहीं तो पूरा काम बिगड़ जाए यहीं पे हमारा। तो बट यार यहाँ पे कोई नहीं है, तो जल्दी से चलते हैं दोस्तों वहाँ पे जहाँ पे दोस्तों वो बोट है, तो उस बोट के पास हम चलते हैं। तो एक सेकंड दोस्तों, पहले हमको यहाँ पे इसको छोड़ना पड़ेगा। मगर क्यों? क्योंकि दोस्तों वो कुत्ता मिलेगा, तो उस कुत्ते के लिए हमको मीट का पीस चाहिए। तो यार चलो यार पहले हम इस मीट के पीस को ही लाते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम उस कुत्ते को मीट का पीस खिलाएंगे, फिर हम जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि यार बीच में ही हमको मिल जाता है और मेरा काम नहीं बनने देता है वो। तो चलो यार पहले हम इस मीट के पीस को लाते हैं और उस कुत्ते को खिलाते हैं।
तो फाइनली दोस्तों यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमको डायरेक्ट ही कोई ना कोई मिल जाता है, तो हम थोड़ा साइड से जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों वो आ रहा है दौड़ा दौड़ा, पलक झपकते ही इसने मीट का पीस खा लिया है। भाई साहब बहुत दिनों से भूखा था है, इसको हमने खिला दिया है, तो यार हमने इसकी मनोकामना पूरी कर दी है। अब भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर दे यार, तो बहुत अच्छा है। आई को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक कर शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहां पे नहीं खड़ा हूं। तो जल्दी से चलते हैं दोस्तों, वो हैंडल क्या है दोस्तों उसको उठा लेते हैं। तो इसको उठा लेता हूँ और जल्दी से चलते हैं दोस्तों उस बोट के पास जो कि हमारा वेट कर रही है। तो भाई कुत्ता क्यों भौंक रहा है यार, इसको तो हमने मीट का पीस खिला दिया है ना ऑलरेडी, तो यार इसलिए भौंक रहा है, शायद इसका मीट कोई छुड़ा ना ले। तो चलो कोई बात नहीं यार, ये मेरे पीछे पीछे आ रही है, ग्रैंडपा का पता नहीं दोस्तों कहाँ पे है। तो फाइनली दोस्तों इरा वो ग्रैंडपा जो कि इसका नाम लिया है हाजिर हो चुका है। तो चलो कोई बात नहीं, तो फाइनली दोस्तों हमारे पास सब कुछ है, अब देखते हैं दोस्तों हमारी नाव चलेगी या फिर नहीं चलेगी। तो चलते हैं दोस्तों अब बोट के पास और देखते हैं दोस्तों अब हमारा क्या होगा, अब हम इस जंगल से बाहर निकल पाते हैं या फिर नहीं निकल पाते हैं। तो चलो यार बोट को चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारी बोट चल के रेडी हो चुकी है। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपनी खट्टी गोली फेंक के मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।